छोटा सा बैग है, बट आप इसके अंदर रखोगे क्या? अगर अगर ये एक बैग है तो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग राइट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रियंका एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन एंड हॉल्स। एंड इफ यू लव सच कंटेंट देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द स्मॉल फैमिली। Hit the subscribe button and also the bell icon so that you will be notified whenever I upload my any new video. So, आज की वीडियो में करने वाली हूँ अबाउट माई Amazon हॉल। एंड एज यू गाइज नो, Amazon पे स्टार्ट हो चुकी है द रिफ्रेश वार्डरोब सेल। सो आई बिलीव दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिफ्रेश योर वार्डरोब। यू कैन सेव अप टू 70-80% ऑफ ऑन फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो वॉट यू गाइज वेटिंग फॉर, डू चेक आउट Amazon। सेव कर सकते हो अ लॉट ऑफ मनी, आई मीन आपको ग्रेट डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन ब्यूटी, फैशन एंड मेकअप। सो लेट मी शो यू गाइज दैट वॉट ऑल आई गॉट, एंड आई विल बी मैंशनिंग ऑल द लिंक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। एंड मैं अपने माई होल स्टोर लिंक का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी द डिस्क्रिप्शन, सो दैट आप देख सको कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसेंटली परचेज किए हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए। एंड डोंट माइंड गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो, बिकॉज मुझे कोल्ड है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ हल्की सी डिफरेंट आप लोगों को साउंड कर रही होगी। तो मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स इन बॉक्सेस के अंदर हैं, सो लेट मी शो यू वन बाई वन व्हाट ऑल आई गॉट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पैकेट, सो आई हैव टू प्रोडक्ट्स इन इट। So the first one which I got is this Vav ka onion black seed hair oil, and मुझे एक अच्छा सा हेयर ऑयल चाहिए था, बिकॉज मेरा अभी बहुत बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। एंड गाइस दिस इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वाव ने मुझे ये प्रोडक्ट सेंड किया है, सो नो, दिस इज़ समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई, बिकॉज मैंने इसके बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे। सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हाउ दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क्स, एंड इसके रिव्यूज़ लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैनी यूट्यूबर्स, मैनी इन्फ्लुएंसर्स रियली रेव अबाउट दिस प्रोडक्ट। और इसके अंदर है अनियन, मैं पर्सनली अनियन यूज़ करती हूँ, जो प्याज होता है उसका मैं रस अपने बालों पे लगाती हूँ, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी अच्छे, मतलब इसके अंदर सल्फर होता है विच इज़ रियली गुड फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प। सो अभी मेरा पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, सो आई थॉट टू गिव दिस अ ट्राई। एंड मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, बट आफ्टर यूजिंग इट आई विल श्योरली गोइंग टू गिव यू गाइज माई ऑनेस्ट रिव्यू दैट डज इट रियली वर्क सो नॉट। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट, और ये 100 ml की बॉटल है। लेट मी शो यू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट। द सेकेंड थिंग विच आई गॉट इज डर्माको का फेस वॉश। दिस इज 1% सेलिसिलिक जेल फेस वॉश फॉर एक्टिव एक्ने, एंड दिस इज माई सेकेंड परचेज। ये मैंने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शालिनी मंडाल लिया है, एंड आई हैव टू से आई मीन इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश इन लाइक अफोर्डेबल कैटेगरीज। ये लिटरली बहुत बहुत अच्छा फेस वॉश है गाइज, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है एंड इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर समथिंग रियली गुड, और जो आपकी मतलब कि अगर यू बिलोंग्स टू एन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो ये बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता, बिकॉज इफ़ यू गाइज आर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड तो वो आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है, बट दिस इज़ लिटरली अमेजिंग। मैंने इसकी एक मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरा पहला कोई वीडियो देख सकते हो अमेजोन का, जिसमें मैंने ये शो किया है, एंड आई लिटरली हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आर थर्ड बॉक्स, ये वाला। सो आई गॉट बिलीव टू प्रोडक्ट। सो वन इज दिस ड्यू केयर की, दिस इज एन आईब्रो ब्रश। लेट मी शो इट यू। मुझे एक ब्रश चाहिए थी, मतलब कि स्पूली काइंड ऑफ, सो इसकी एक साइड पे इस तरीके का टू फिल आउट योर आईब्रोज, एंड
on the second hand you get like a spoolie kind of thing, so just to brush out your eyebrows and to fill your eyebrows. So this is something really very nice. I will be mentioning all the prices on the screen or maybe in the description box, so please do not forget to check that out. And this is really very good aur iski packaging bahut achhi hai. The another product which I got is this Bellora Paris Peel lipstick, which is like leave no evidence, and this is how it looks like. And maine iska shade liya hai ruby crush. The reason for buying this lipstick, guys, main jab bhi YouTube kholti thi na iski koi na koi ad aa rahi hoti thi. I don't know why, maybe because maine ek baar main search kar rahi thi best beautiful red lipsticks for brides and I got to see this lipstick Bellora ki. The packaging literally very nice. It looks very luxurious and very pretty, and literally it's very very nice. Let me show you the shade, guys. The time you will show the see this shade na, you will fall in love with it. It's really very very beautiful. Like it's made for the brides. Look at this. This is so damn gorgeous and pretty. And I think जो भी टू बी ब्राइड्स है उनके पास ये वाला शेड जरूर जरूर होना चाहिए. एंड दिस इज बिलोरा की लिपस्टिक इन द शेड रूबी क्रश. एंड आई पर्सनली रियली रियली लाइक्ड इट. एंड मैंने इसकी एक दूसरी लिपस्टिक भी ऑर्डर कर दी है इन डिफरेंट शेड बिकॉज मेरे को ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल ऑन द लिप्स, गाइज. सो दिस इज द अनदर प्रोडक्ट विच आई गॉट. आई थिंक इसके अंदर और कुछ भी नहीं है. वेरी सैड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट इन दिस. सो आई ऑर्डर्ड वन बैग एंड दिस इज फ्रॉम फास्ट ट्रैक. मुझे एक छोटा सा स्लिंग बैग चाहिए था, सो आई गॉट टू सी दिस बैग. एंड दिस इज अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेड, pink, gold and grey. And I really really like this one. Isn't it pretty, guys? And agar aap isko chaho to belt ke sath bhi use kar sakte ho. Other than that, iske sath aapko milta hai iska sling, so you can use it with its sling. And let me show you the bag from inside. So this is the bag from inside, and ये काफ़ी स्पेशियस है. आई मीन यू कैन कीप योर वॉलेट, योर मोबाइल एंड फ्यू अदर प्रोडक्ट्स. एंड इसके अंदर कुछ भी जिप या फिर कोई अदर कंपार्टमेंट नहीं है, बस बिल्कुल ऐसे खाली है. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड फास्ट ट्रैक. एंड आई पर्सनली रियली रियली लाइक इट. इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है. एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1000 समथिंग. आई विल बी मैंशनिंग द प्राइजेज लाइक आई सेड मे बी ऑन दिस डिस्क्रिप्शन बार or on the screen, so please do not forget to check that out. And I personally really really liked it. Now the other product which I got came into this packaging. Pura ka pura maine phad liya hai, jaisa ki aap dekh sakte ho. And this product, I mean, it was in my wish list from a very very long time. I was just like skipping this product because I don't know why, but it was in my wish list. द ओनली रीज़न आई वॉज स्किपिंग इट कि मुझे और ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए था बिकॉज आई बेयरली यूज देम. आई एम टॉकिंग अबाउट एन आई शेडो. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ आई शेडोज, बट आई रियली रियली वॉन्टेड टू बाई दिस वन. बट एट लास्ट मैंने थोड़ी सी करेज दिखाई और मैंने इसको ऑर्डर किया. एंड दिस केम इन सच काइंड ऑफ पैकेजिंग एंड लेट मी शो इट टू यू. And this says like Mac Andy, कुछ Chinese brand I believe, and कुछ इस तरीके से दिखता है. And let me show you the product, and you will be amazed to see this. This is how it came in, and ये कुछ. And this is how it looks like. Isn't it gorgeous, guys? आपको लग रहा होगा ना ये एक छोटा सा बैग है, बट आप इसके अंदर रखोगे क्या अगर ये एक बैग है तो you guys must be wondering, right? This is how it looks like. So ये एक बैग नहीं, guys. Let me show you to you. This is an eyeshadow palette. Let me show you the colors. Look at
at the shades, guys. And let me show you the shades, guys. Look at the shades. Aren't they gorgeous? I mean, look at them. These are few of the shades which you really need on your everyday basis, and you get a big size mirror as well. And I am super super happy with this purchase, guys. I mean, it's so beautiful, and it's बहुत बहुत अच्छी condition में आया. And this is how it looks like. I mean, छुटकू सा purse. And I personally really really liked it. So this was my last purchase. So that was my small mini haul from Amazon. Do let me know, guys, how do you like it? If you like it, then please do not forget to hit the subscribe button and also the bell icon so that you can be notified whenever I upload my any new video. And that's all for today's video, guys, and I'll see you in my next video. Till then, bye for now.